मैं संगीता आप लोगों के लिए फाफर, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में हम इसको फाफर बोलते हैं और ऐसे इसको कुट्टू का आटा बोलते हैं। आज मैंने कुट्टू का आटे की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उपवास में। इसके लिए मैंने देखो बराबर बराबर चीज़ें लिए हैं। पौन कटोरी है वो फाफर का आटा यानी कुट्टू का आटा लिया है, साथ में इतनी ही मैंने चीनी ली है और इतना ही मैंने घी लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम घी डाल देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है हम इसमें आटा डाल के और इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये हलवे की, और ये हलवा हमारे आटे वाले हलवे से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अपन आलू का जो गाजर का जो भी हलवा बनाते हैं उन सब में इजी है एक तो बनाने में, और एक काफ़ी टेस्टी और हेल्दी हलवा लगता है ये। अब इसमें हम ये कुट्टू वाला आटा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए घी हमारा बिल्कुल इसमें सही है, और जैसे ही ये सिकेगा वैसे पूरा घी है ये अपना छोड़ देगा। इसको हम बराबर हिलाते हुए चलाते रहेंगे। ये देखिए ये एकदम फूल के सिकने लगा है। ये देखिए अच्छे से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। आटा हमारा पूरा सिक के तैयार हो गया है और घी है वो भी पूरा छोड़ दिया है, एकदम पतला हो गया है ये। अब इसमें हम पानी नाप के डाल के दिखाती हूँ। एक कटोरी हमारा आटा था और इसमें दो कटोरी पानी है वो पूरा लग जाता है। एक कटोरी हमने डाल दिया है और ये दूसरी कटोरी है वो पानी इसमें मैंने डाल दिया है। ये देखिए पूरा सोख लिया है ये हलवे का पानी है। अब इसमें हम ये चीनी है हमारी बराबर मात्रा में हमने सारी चीज़ें ली है और ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और अच्छे से पूरा इसको मिक्स कर लेते हैं जब तक ये चीनी हमारी इसके अंदर पिघल नहीं जाती है। ये हलवा जितना दिखने में बढ़िया लग रहा है वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, आटे वाले हलवे से ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और बनाने में भी इजी है। ये देखिए अब हम ये आ रहा है, ये बन के तैयार हो गया है। इसमें हम पिसी हुई इलायची है वो डाल के ऐड कर देते हैं। ये पिसी हुई इलायची पाउडर है इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसका टेस्ट है वो और भी बढ़िया लगे। हलवा हमारा तैयार है, अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से हम डेकोरेट और कर देते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो ये खाने में काफ़ी हेल्दी और टेस्टफुल लगता है ये हलवा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट में इसकी रेसिपी आज बना के और फिर आप इसके टेस्ट के ऊपर कमेंट करना कि ये टेस्ट में कैसे लग रहा है आपको। ये मेरे को तो काफ़ी टेस्टफुल लगता है, मेरे को नॉर्मली और हलवों से यह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।
Oh, 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 oh